आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे आरआरबी भुवनेश्वर का जो पैनल आया है CN01/2018 का, ALP का, आप थर्ड प्रोफेशनल रिप्लेसमेंट पैनल देख रहे होंगे जो कि 2-3 दिन पहले ही आया है और इसमें टोटल 11 लड़कों का वेटिंग क्लियर हुआ है। इसके साथ साथ आज के डेट में आप ALP का 2 पैनल देखने को मिलेगा आपको। अब इसमें देखिएगा प्रोविजनल एडिशनल पैनल फॉर ईस्ट कोस्ट रेलवे अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 01/2018। और आपको भी पता है ईस्ट कोस्ट जोनल रेलवे से जो टोटल ALP का डिमांड हुआ था नोटिस आने के बाद 286 था, और यहां से टोटल 286 का पैनल भी आया है। और यहां पे हम देखेंगे नीचे में इनका भी दिया, कैंडिडेट्स विल अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन अगेन टू एज सर्टेन देयर मेडिकल फिटनेस, यानी कि इनका भी मेडिकल फिटनेस लिया जाएगा, री मेडिकल होगा। जो उस मेडिकल कैटेगरी में फिट नहीं होंगे उनका कैंडिडेचर कैंसिलेशन कर दिया जाएगा, ये इनका क्लियरली मैसेज है। उसके साथ ही एक और भी पैनल आया है, वो भी पैनल हम देखेंगे। और आपको पता है SECR यानी कि बिलासपुर जोन से जो भुवनेश्वर को डिमांड का अप्रूवल मिला था डाइवर्जन के लिए वो 360 का मिला था, और यहाँ से टोटल हम देखेंगे 286 नीचे, तो यहाँ से 360 का जो मिला था। और आप ये देखिए 65 का ऊपर दिखाया जा रहा है और 186, यानी कि टोटल लगभग अभी भी इस बोर्ड से 186 591 200, यानी कि 100 के आसपास का सीट अभी भी बच रहा है। तो वो 100 सीट इस वजह से नहीं आ पाया क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जो कि ये बात दिल्ली में पहुँच चुकी है और वहाँ पे काम चल रहा है। जल्द ही इन 100 बच्चों का जो इनका वेटिंग बचा हुआ है उनका वेटिंग क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ वहाँ से लगभग 50 के आसपास टेक्नीशियन का वेटिंग बचा हुआ है। तो 150 का आंकड़ा आरआरबी भुवनेश्वर से बचा हुआ है। और आपको पता होगा आपके बोर्ड के जो एक होनहार छात्र थे प्रदीप तिवारी, जो कि जयपुर राजस्थान से आता है, उसने किस लेवल पे प्रोटेस्ट किया था, कितना समर्थन दिया। तो हमारी भुवनेश्वर बोर्ड की ऐसे छात्र जिनका वेटिंग क्लियर हुआ है या डिमांड हो गया है, वेटिंग क्लियर होने की संभावना है, तो आप सभी छात्र प्रदीप से कांटेक्ट करें, उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जिस तरह से मुंबई में सभी जो भी उस सहभागी बने, आपका समर्थन दिए, ऐसे सभी रेलवे अधिकारी से लेके सांसदों से लेके छात्र सब मिलके उनका एक भव्य सम्मान समारोह रखेंगे और उसका डेट भी जल्दी अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो आप सभी छात्र उससे कांटेक्ट करें, उसका नंबर आपको मिल जाएगा, और ये होना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसे सभी छात्रों का जिनका वेटिंग क्लियर हो गया या डिमांड हो गया, आगे क्लियर होगा, उन सभी को मेरे तरफ से कंग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ विशेस। लेकिन जिनके सहयोग से आपका लाइफ बना है, आप उनका साथ मत छोड़िएगा, आपको आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उम्मीद है आप लोग इनका ज़रूर साथ देंगे। और जिस भी बोर्ड का भी पैनल नहीं आया या आने वाला है, आप लोग धैर्य बनाए रखें, आपका भी बहुत जल्द वेटिंग क्लियर होगा। जय हिंद, जय भारत।